दोस्तों इस वीडियो में मैं YouTube वीडियो को Google Ads से कैसे प्रमोट करना है ये तो पूरा का पूरा मैं लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाने ही वाला हूँ। साथ में आपको एक दो चीज़ें और देखने को मिलेंगी, कम पैसे में कैसे वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ पाएँ, और अगर आपने कोई ऐड लगा रखा है उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे तो उसको कैसे ठीक करें, और 100 रुपये कैसे मिनिमम ऐड करें। तो ये काम करने के लिए आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर या फ़ोन से भी कर सकते हैं। क्रोम पे आपको सर्च करना है गूगल एड्स, देख सकते हैं दोस्तों गूगल पे मैंने सर्च किया है गूगल एड्स। ये आप अपने अब अगर फ़ोन पे करेंगे तो आपको डेस्कटॉप साइट ऑन करना होगा, देख सकते हैं ads.google.com ये वेबसाइट पे आपको जाना है। ये वेबसाइट के अंदर आपको अपनी आईडी बनानी होगी जो कि साइन इन करना पड़ता है अगर आपकी आईडी पहले से बनी हुई है, वरना अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको एक ऑफ़र देगा गूगल। वो क्या है कि अगर आप 2000 रुपये स्पेंड करेंगे, खर्चा करेंगे गूगल एड्स पर, तो ये गूगल अपनी तरफ से भी 2000 रुपये आपको और देगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल के गेट ऑफर कोड करेंगे तो आपके ईमेल पे आ जाएगा वो सारी डिटेल्स। मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ क्योंकि मेरी आईडी बनी हुई है, तो आप यहाँ पे अपनी आईडी बना लीजिएगा अगर नहीं बनी है तो, वरना साइन इन कर लीजिएगा। साइन इन के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर अगर आप नया ऐड चलाना चाहते हैं तो नीचे न्यू कैंपेन लिखा हुआ है दोस्तों, उस पर आपको क्लिक करना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपना बैलेंस वगैरह दिखाऊंगा गूगल ऐड में कितना बैलेंस है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको गूगल ऐड के अंदर 100 रुपये ऐड करने हैं तो आपको इसको ट्रांसफ़र करना होगा पैसा, इसका अकाउंट नंबर वगैरह लेकर, IFSC कोड वगैरह लेकर ट्रांसफ़र। तो उसके लिए ये जो अब चीज़ देता है अपना अकाउंट नंबर वगैरह, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स में होते हैं इसके अकाउंट नंबर, तो वो चीज़ गूगल पे से ही हो सकती है। तो अभी हम जो ये टूल जैसा बना हुआ था इस पर क्लिक करके बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाके आपको दिखाऊंगा कितना बैलेंस है, 49 रुपये के करीब का बैलेंस है। और अगर आप दोस्तों 100 रुपये से कम मतलब ऐड नहीं कर पाएंगे, 100 रुपये ही आपको ऐड करना होगा मिनिमम, वो भी कैसे ट्रांसफ़र करके। अगर आप नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से इसके अंदर ऐड करेंगे तो 500 का लिमिट है इसके अंदर। तो 100 रुपये ऐड करने के लिए देख सकते हैं नीचे ऐड पेमेंट मेथड है, वहाँ पर इसके अकाउंट डिटेल लेके गूगल पे से करिएगा, वहीं से हो पाएगा ये। इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा कहेंगे तो। यहाँ पे देख सकते हैं न्यू कैंपेन पे क्लिक करके हम जो है अब यहाँ पे वीडियो के अंदर ऐड कैसे लगाना है वो देखेंगे। तो न्यू कैंपेन हमने जो क्लिक किया, उसके बाद आपको आना है क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गोल्स ऑडियंस, देख सकते हैं दोस्तों लास्ट में ये वाला ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको अपनी यूट्यूब की एक वीडियो को प्रमोट करना है, उसके लिए है ये, कम से कम पैसे में ज़्यादा व्यूज़ कैसे पाएँ उसके लिए है। उस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करना है आपको, चौथे नंबर पे था। अब यहाँ पे कस्टम वीडियो कैंपेन, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको सेलेक्ट करनी है। कस्टम वीडियो कैंपेन करके हम कंटिन्यू इसलिए करेंगे ताकि सारी चीज़ें हमारे हाथ में रहे, कौन सी चीज़ें हमें क्या कनेक्ट मतलब रखना है मैनुअली, सब चीज़ अपने हिसाब से रखेंगे। अब एक फॉर्म आ चुका है हमारे पास जिसके अंदर सारी डिटेल्स फिल करनी है, हमको कैसा क्या चाहिए वो चीज़ है। तो सबसे पहले तो कैंपेन नेम पूछ रहा है, तो कैंपेन नेम अपनी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाल देंगे जो कि हमारे याद के लिए रहे, वैसे इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। तो हमारी जो YouTube वीडियो जिसको हम प्रमोट करेंगे इस Google ऐड की मदद से, उससे रिलेटेड यहाँ पे नाम रख देते हैं दिल्ली वाटर कनेक्शन। अगला जो है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बिड स्ट्रेटजी, बिड स्ट्रेटजी को आपको मैक्सिमम CPV पे रखना है। ये मैक्सिमम CPV क्या है ये अगर आप जानना चाहें तो बता दूँ, कॉस्ट पर व्यू है, मतलब हर व्यू पे आपको कितना पैसा देना है वो चीज़ है ये। आगे बजट एंड डेट, इसके अंदर ये जो कैंपेन का टोटल है इसके अंदर आपको अमाउंट्स डालना है, कितना आपको टोटल अमाउंट खर्चा करना है। तो क्योंकि 49 रुपये था मेरे वॉलेट में तो 49 में डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। और स्टार्ट डेट ये है कि ऐड आपको कब से चालू करना है, और एंड डेट ये है कब तक आपको अपना ऐड चालू रखना है। तो ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करिएगा आपको कब से कब तक अपना ऐड चलाना है। और कैंपेन टोटल में आप जो है अपना अमाउंट डाल सकते हैं, कितने का आपका बजट है। बाकी दोस्तों आपको आगे की चीज़ें बताऊँ मैं तो, क्या है इसके अंदर आप 10-20 रुपये भी अपना कैंपेन के बजट में डाल सकते हैं। नेटवर्क्स में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं YouTube सर्च रिजल्ट और YouTube वीडियोस, इन दोनों को आपको मार्क रखना है। और वीडियो पार्टनर्स इन द डिस्प्ले नेटवर्क, इसको आपको अनमार्क कर देना है। कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए दोस्तों, तो ये सारी सेटिंग्स आप अप्लाई करिएगा। कोई भी डाउट या सजेशन हो तो कॉमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो पार्टनर्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क, इसको केवल मैं अनमार्क कर दूंगा, ऊपर के दोनों मार्क रहने दूंगा। फिर आगे चलेंगे लोकेशंस, लोकेशंस क्या है दोस्तों, आपको अपना ऐड कहाँ पे दिखाना है। ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज रहेगा तो पूरे वर्ल्ड में आपका ऐड शो हो सकेगा, क्योंकि मेरी जो वीडियो वह इंडिया के लिए है, इंडिया के लोग ही देखेंगे उनके काम किए, तो इंडिया को मैं सिलेक्ट करके रखूँगा।
अगर आपको और कोई लोकेशन स्पेसिफिक दिल्ली वगैरह सेलेक्ट करना है तो एंटर अनदर लोकेशन में जाके आप कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेजेस देखिए, नीचे लैंग्वेजेस है, इसके अंदर आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आपको ऑडियंस कौन सी चाहिए, जो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं उसके लिए है ये। बाकी आप नीचे आएंगे इन्वेंट्री टाइप, ये सारे ऑप्शन दोस्तों आप देख लीजिएगा, ये सारे आपको रखने हैं। ऐसे इन्वेंट्री टाइप के अंदर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक्सपेंडेड इन्वेंट्री, जिसके अंदर क्या है आपको कम से कम पैसे में ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये है कि सेंसिटिव कंटेंट जो होते हैं यूट्यूब पे, उन वीडियो के आसपास जो ऐड आते हैं उनके कम पैसे मिलते हैं उन लोगों को, तो ये वो चीज़ है। तो एक्सपेंडेड आप रखिएगा इसको। बाकी यहाँ पे जो एक्सक्लूड्स है, इसके अंदर आपको एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोज़ को मार्क रखना है, लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोज़ को मार्क रखना है, और कॉन्टेंट नॉट येट एबल्ड जो राइट में है उसको अनमार्क कर देना है। बाकी दोस्तों आगे की चीज़ें बताएं तो रिलेटेड वीडियोस तो ये होती हैं कि आपके वीडियो से रिलेटेड जो वायरल वीडियोस हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, उनके आसपास आपकी वीडियो के एड्स होगी। लेकिन ज़्यादातर केसेस में मेरे साथ डिसअप्रूव कर दिया है गूगल ऐड ने, तो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, अगर हो गया तो काम की चीज़ है ये, क्योंकि वो वीडियोज़ वायरल होती हैं तो उनके आसपास दिखेगा। फिर आपको एडिशनल सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइसेस में आपको वो डिवाइस सेलेक्ट कर रखने हैं जो जो डिवाइस पे आप चाहते हैं ऐड दिखे, जैसे कंप्यूटर मोबाइल ये सब। बाकी ये फ्रीक्वेंसी कैपिंग है, इसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें कुछ भी मत करिए। ये होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप 1 लिख देंगे नंबर में तो एक दिन में एक बार ही दिखाएगा लोगों को। लेकिन मेरा क्या मानना है कि हो सकता है कभी कभी लोग ऐड को ध्यान ना दें, कोई और काम के लिए यूट्यूब पर आएँ, तो दूसरी बार जब दिखे तो उस समय क्लिक कर दें। तो इसको आप ऐसे ही रखिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा, वरना आप 1 लिख देंगे तो एक बार ही शो करेगा किसी आदमी को एक बार ऐड। बाकी ऐड शेड्यूल देखें तो ये ऑल डे रखेंगे ताकि पूरे दिन हमारा ऐड चले। आप अगर चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टाइम पे ऐड चलाना तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी डेमोग्राफिक्स में देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी भी मतलब मेल फीमेल को दिखाना है आपको ऐड, या कोई भी एज के ग्रुप के लोगों को दिखाना है तो वो चीज़ है ये, तो वहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाकी ऑडियंस में यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज है तो वो सब आप सेलेक्ट करिएगा। बाकी नीचे मैं आऊँगा कीवर्ड्स में, कीवर्ड्स के अंदर दोस्तों क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर आप जो है अपनी वीडियो से रिलेटेड 4-5 जो है कीवर्ड्स डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो है इमोजी वगैरह यूज़ नहीं होगा और कॉमा वगैरह ये सब यूज़ नहीं होगा, तो अपनी वीडियो से रिलेटेड यहाँ पे जो है आप 4-5 अपने जो है टेक्स्ट डाल देना। मैं जो है दिल्ली वाटर कनेक्शन का है तो इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे 4-5 जो है डाल दे रहा हूँ, हाउ टू अप्लाई फॉर दिल्ली वाटर कनेक्शन ऐसे करके। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको डालिएगा ताकि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जो लोग सर्च करें उनको आपकी जो वीडियो है वो ऐड के फॉर्म में दिखाई दे, तो वही लोग भी देखेंगे, तो इससे आपके जो व्यूज़ आने के चांसेज है वो बढ़ जाते हैं। तो कीवर्ड्स डालने के बाद दोस्तों अगला आपको देख सकते हैं यहाँ पर टॉपिक्स और प्लेसमेंट। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। बाद में जो बिडिंग लिखा हुआ है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये टॉपिक्स दोस्तों हटा देते हैं, टॉपिक्स आपके वीडियो से रिलेटेड आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि और नैरो हो जाएगी आपकी ऑडियंस। बाकी ये बिडिंग वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे क्या है कि आप अपने एक व्यू का कितना देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 0.10 भी लिख सकते हैं, 0.20 भी, मतलब 20 पैसे देंगे एक व्यू का। अगर गूगल ऐड के बस में होगा तो इससे कम में भी दे सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही देगा, इससे ऊपर नहीं लेके जाएगा, जिससे आपके पैसे बचेंगे। अगर आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, अगर आप शुरुआत में कम रखिएगा तो बाद में आप इसको एडिट भी करके और बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल में हम लोग 0.20 रखेंगे इसको, बाकी इसके बारे में और आगे बताऊँगा मैं। यहाँ पर देख सकते हैं अब आपसे यूट्यूब वीडियो की URL मांग रहा है, लिंक मांग रहा है जिस भी YouTube वीडियो को आपको प्रमोट करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जो जिस ईमेल आईडी से आपका YouTube चैनल है वही होना चाहिए, अलग भी हो सकता है। तो यहाँ से जिस वीडियो को हमें प्रमोट करना है उसका हम यहाँ से लिंक को जो है कॉपी कर लेंगे और वहाँ पे ले जाकर पेस्ट करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, ये एडवर्ड हो गया, गूगल एड्स हो गए, सारी चीज़ें एक ही जगह पर आके खुलती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर, तो स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड आ रहा है और दूसरा आ रहा है वीडियो डिस्कवरी ऐड। तो स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड बहुत महंगी ऐड होती है, यहाँ पे जिन लोगों को नहीं चाहिए देखना आपका ऐड उन लोगों को भी ये दिखाने लगता है। वीडियो खुलता है और शुरुआत में जो स्किप का ऑप्शन आता है दोस्तों ऐड में, वो वाला ऐड है ये। और साइड में देखेंगे तो वार्निंग भी आ रहा है कि ये बड़ा महंगा ऐड है, ये 10-20 पैसे वाला नहीं है, इस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, अपनी बिडिंग बढ़ाई है, तो ये हमें चाहिए भी नहीं। तो वीडियो डिस्कवरी ऐड रखेंगे यहाँ पर ताकि उन लोगों को दिखाई दे, जो लोग क्लिक करें आपके ऐड को देखें उन्हीं का ही आप पैसा दें, तो ये चीज़ सही है। वीडियो डिस्कवरी ऐड रखिएगा ताकि आपके यूट्यूब चैनल पे भी लोग आएँ, तो इसको रखिएगा दोस्तों वीडियो डिस्कवरी ऐड।
बाकी देखेंगे यहाँ पे थंबनेल चार पांच आ रहे हैं, इनमें से आप अपना जो भी आपको सही लगे वो थंबनेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। बीच में आपको दिख रहा है आपका ऐड कैसा दिखाई देगा, ऐड का प्रीव्यू। ये जिन लोग जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग क्लिक करेंगे आपके ऐड पर, वो लोग देखेंगे। हम जो है थोड़ी सी अपनी बिडिंग जो है दोस्तों बढ़ाएंगे यहाँ पे 0.21 करेंगे, क्योंकि साइड में देख रहे होंगे आप एवरेज सीपीवी 0.10 से 0.21 पे जा रहा है। अगर यूट्यूब को कहीं पे भी 0.21 यानी 21 पैसे में ऐड दिखाना होगा तो वो नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि मैंने 20 पैसे किया हुआ है, तो इसको हम 21 पैसे कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है इसलिए। तो बिडिंग स्ट्रेटजी लगाने का ये भी एक तरीका है, साइड में देख सकते हैं एवरेज सीपीवी से। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ओके हो चुकी हैं दोस्तों, अब हमें कुछ नहीं करना है, वीडियो भी अब ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ पे हेडलाइन में दोस्तों बस अपने वीडियो का टाइटल डाल दीजिएगा, जो जैसे हमारा है हाउ टू अप्लाई फॉर दिल्ली वाटर कनेक्शन, वो हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे। और इसके अंदर दोस्तों आप कोई भी ब्रांड का नेम नहीं रख सकते, इंस्टाग्राम फेसबुक रियलमी वगैरह, अगर आपको वो सब रखना है तो थोड़ा सा स्पेलिंग में थोड़ा ऊपर नीचे कर दीजिएगा, गलत स्पेलिंग लिख दीजिएगा, तभी आपका ऐड अप्रूव होगा, नहीं तो ऐड ही अप्रूव नहीं होगा और ऐड रन भी नहीं होगा। तो इंस्टाग्राम में तो आईजी लिख देना, फेसबुक है तो कुछ अलग, और रियलमी है जैसा तो स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख देना। ये चीज़ है हेडलाइन के अंदर। बाकी डिस्क्रिप्शन में आप इससे जुड़ी हुई तीन चार चीज़ें लिख दीजिए दोनों डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने वीडियो से रिलेटेड लिख देते हैं दिल्ली वाटर कनेक्शन वगैरह। अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ऐड नेम पूछ रहा है, ऐड नेम डिस्क्रिप्शन डालने के बाद ऐड नेम पूछ रहा है दोस्तों। ऐड आप ये जैसा दिया हुआ है ऐड हैशटैग #1 ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वरना अपने हिसाब से याद रखने के लिए कोई अलग नाम भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्रिएट कैंपेन करना है, और क्रिएट कैंपेन करने के बाद आपसे ये कन्फर्मेशन मांगेगा, आपकी सारी चीज़ें डिटेल्स दिखाएगा, कौन सी वीडियो आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, कितना आपने बिड लगाया है, मतलब एक व्यू का आप कितना पैसा देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं, तो आप देख पाएंगे। इसके बाद आप इसको केवल कंटिन्यू टू कैंपेन कर देंगे तो आपका जो है ऐड चला जाएगा रिव्यू में, गूगल ऐड उसको रिव्यू करेगा, ठीक होगा ऐड तो वो रन होने लगेगा, अगर रन नहीं होगा तो अपनी बिडिंग थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना दोस्तों। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा।